Hey guys, good morning. Welcome back to my new vlog. I hope आप सब ठीक ही होंगे. अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम है guys, हम सब भी फिलहाल ठीक ही है. आप सबकी दुआ है. तो guys, अभी रनिंग अपना खत्म हो गया और अभी जा रहे हैं हम भट्टे में. बस ऐसे ही जा रहे हैं, सिर्फ घूमने के लिए. टाइम काफी ज्यादा है, अभी 6:45 हुए, तो 8 बजे तक तो हम रह ही सकते, इसीलिए हम वहां पर जा रहे हैं. आज हमने रनिंग की प्रैक्टिस यहां पर की, इस मैदान में. यहां पर रोज शाम को वॉलीबॉल खेलते हैं और वहां पर क्रिकेट खेलते हैं. एयर में पानी आ गया है क्योंकि बारिश गिरती नहीं है और लोगों को खेती करनी है, तो इसी वजह से सरकार ने पानी यहां पर छोड़ दिया है. तो आसपास के जितने भी खेत है उनमें पानी वो लोग ले लेंगे. आजकल गाइस एटमॉस्फेयर चेंज ही हो गया, मतलब सुबह को धूप छांव बारिश, उसका कुछ तय नहीं है कि कब बारिश गिरे, कब धूप आती है, कब ठंडी लगती है, कुछ तय ही नहीं है. गाइस आसपास के जितने भी खेत है ना उनमें पानी आया नहीं है और खेती भी नहीं की है, तो ये पानी वाल के फिर खेती कर लेंगे. अभी तो यहाँ पर पानी वाल रहे खेत में, देखो अब यहाँ पर भी डांगर करेगी. अभी हम इस पानी में नहीं नहा सकते, पूरी नहर में चार ही चार है. इधर भी पानी वाल लिया है. भट्टे में तो हम आ गए पर कोई दिख ही नहीं रहा. सकेल तुझे लगता है कि कोई होगा यहाँ पर? देख लीजिए यहाँ पर कुछ कट गया है, यहाँ पर देख बूची में, देखा क्या है? चीटी कट गई. ज्यादातर तो हम रनिंग करके एक्सरसाइज वहाँ पर करते हैं, पर अभी तो कोई वहाँ पर दिख ही नहीं रहा. सूरज भी आ गया है पर दिख ही नहीं रहा बादलों की वजह से. अपने बंदे है, हमको लगा कि नहीं होगे पर है. देख टीटू दो है, दो. खेती बाड़ी में भी हमने देखा था. ए नहीं कुछ करेगा, देख अच्छे वाला है ये. अपनों ने देखा था उससे बड़ा है थोड़ा. रख दे रख दे, उसकी माँ परेशान होगी. बस वहाँ पर रख दे, चला जाएगा. चल गाइस, तो अपना वर्कआउट भी कंप्लीट हो चुका है और धीरे धीरे करके सब बंदे घर जा रहे हैं. इधर अपना शकील और ये सकलेन है और वहाँ पर कुछ दूसरे बंदे हैं और आपसे ये हमारा फेवरेट बंदा है. ये आपसे कुछ कहना चाहता है, बोल दे. लाइक और कमेंट और फॉलो जरूर कीजिए, ठीक है? सुन लिया आपने गाइस? चलो तौफिक भाई, शाम को मिलते हैं. गाइस पहले सुबह को जितने बंदे रनिंग करने के लिए आते थे अब उतने नहीं आते, पता नहीं क्या हुआ है. इस जैसे बंदों ने हमारे ग्रुप वालों को खराब किया है. जैसे अपने घर पर चीना बार है वैसे यहाँ पर भी है. चलो चन्ना भैया, शाम को मिलते हैं. बाय बाय, मिलते हैं. चल बेटा, चलो भाई लोग. आज सुबह का अपना ब्रेकफास्ट अंडा चने मूंगफली के भी है और केले. मैं बना लेता हूँ सब. मम्मी को कुछ ऐसा कहने का नहीं कि मम्मी मुझे ये बना दे ये बना दे, अपने आप ही अपना काम कर लेने का. मम्मी उसका काम करती है इसी वजह से. मतलब मम्मी हमको करने ही नहीं दे, पर मम्मी का काम अपने करना चाहिए और अपना काम अपने खुद करना चाहिए. तो मैंने ये बना लिया चने मूंगफली के भी और केले साथ में खाए. मम्मी सुबह सुबह हरी पत्ती काट रही है. सोएब भी अपना आ गया है घर. इसको कब से खुलने की ट्राई करे पर खुल ही नहीं रहा. काट आ गया ऊपर, तो केरोसिन डालना पड़ेगा उसके ऊपर. टूट जाएगा वे, टूट जाएगा ना पूरा. बोल्ट खुलने पड़ेगी उसको. ये अपने पुरानी साइकिल की टोकरी है. काफी मेहनत के बाद हमने ये सरिया निकाली दिया, उसमें से सब मेहनत सोए की है. मैं साजिद खरल के साथ आया हूँ. ये पीछे आप टेबल देख रहे हो उसको लेने के लिए. तो यहाँ पर अभी काम कर रहा है. उनका प्रोफेशनल काम यही है, कलर काम करने का. मैं उनके साथ ये घोड़ी लेने गया था, ये नहीं लेने की होती तो मैं घर में मस्त आराम करता. उनके साथ आ गए तो काम खत्म करके फिर ये घोड़ी लेके घर पे जाएंगे, फिर मस्त आराम करके. अभी तक मैं नहाया भी नहीं हूँ. वो बोले चल मेरे साथ, आना है तुझे, तो इसीलिए मैं नहाया नहीं. कपड़े खराब हो रहे थे. गैस ये सोसाइटी में पूरी लगभग मेरे खालाड़ ने कलर काम किया है. ये वाले घर में भी किया है और ये वाले घर में भी चल ही रहा है. गाइस तो आ गए अपने घर, बहुत देर लगे घर आने में हमको. अस्सलाम वालेकुम. आज गाइस इतने देर तक मैं नहाया नहीं हूँ, अजीब सा लग रहा है अंदर से, पसीना ऐसा. तो अभी मैं फिलहाल जाऊंगा नहाने के लिए. अभी गाइस शाम के 6 बज गया और अपना जो रोज का रूटीन होता है वही स्टार्ट हो गया. मैं दोपहर को सो ही गया था. मैं घर पे आया, खाया, एकदम से इतनी ज्यादा नींद चढ़ी थी तो फिर नमाज पढ़ी. नमाज पढ़ के फिर सो ही गया मैं. फिर अभी उठा, नमाज पढ़ी, अब जाएगी हाड़गुड़. आज गाइस एक अपना जरूरी काम है, वो अपना काम खत्म करके फिर भट्टे में जाएगी. वहां पर भी जरूरी काम है, वो भी आज खत्म ही करेगी ऐसा लगता है मुझको, पर हो सके तो हो जाएगा. क्योंकि गाइस जो मैं जरूरी काम करने वाला हूँ वो नेवी का फॉर्म है और नेवी का फॉर्म फिलअप करना जरूरी है क्योंकि वो 17 तारीख तक की है. तो इसीलिए मैं जल्द से जल्द जिन लोगों का बनने का वो भर दूंगा. मेरा भी पेमेंट ऐसा कुछ है तो खत्म कर दूंगा हर कुछ. हमारा चूहा है चूहा. हमारे घर में एक जरूरी, मतलब एक जरूरी में जरूरी फ्रूट है, वो हर रोज तो चाहिए. केला तो होता ही है, केला अच्छा रहता है और पापा रोज ले आते हैं, 1-2 किलो ले लेते हैं. तो अपने तो एक केला खा के निकले गए हाड़गुड़. अभी मैं साइकिल लेके एक दोस्त के घर जा रहा हूँ पेमेंट का मेथड सीखने के लिए, फिर वहां से भट्टे में चला जाऊंगा. सकील और सकलन को पता ही नहीं है कि मैं कहां पर जा रहा हूँ, तो घर पे पूछे कि मम्मी बता देगी कि वो गए भट्टे में.
मैं उनको साथ लेके आया तो मेरे वजह से उनकी रनिंग खराब हुई और मैं यहाँ से साइकिल लेके फिर मेथड सीख के वहाँ पर भट्टे में फॉर्म फिलअप करूंगा। आर्मी की जैसे अपने फॉर्म फिलअप किए वैसे ही नेवी की फॉर्म फिलअप करने के है, तो जो भी बंदा लेके आएगा तो आज उनको फिलअप कर देगी। डेट बहुत कम है, लगभग 17 तारीख है, इसीलिए जल्दी से भर देगी अपने। मैंने शूज ही नहीं पहने क्योंकि मुझे पता है कि मुझे टाइम नहीं मिलने वाला रनिंग के लिए, तो सैंडल पहन के निकल गया हूँ। अपना जो जरूरी वाला काम था वो हो गया, पूरा प्रिंट भी निकलवा दिए। अभी हम पहुंच गए भट्टे में। अभी गाइस जस्ट मैं खा के उठा हूँ। आज मम्मी ने अंडा चावल बनाया था, बहुत बढ़िया वाला बनाया था, वो खा के अभी 9:15 हो रहा है। आज मैंने बहुत लेट से खाया क्योंकि मैं भट्टे में से लेट से आया। मुझे पता ही नहीं था कि आज मुझे रनिंग करने का मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो मैं सैंडल पहन के गया था। वहाँ पर अपना जो फॉर्म फिलअप करने का था और दूसरा जो अपने इन्फॉर्मेशन चाहिए थी वो हमको मिल गई और एकदम से भट्टे में मैं चला गया। और टाइम मिला तो मैंने सैंडल पे आज रनिंग की, मैंने सैंडल पे गाइस। फिर वहाँ पर रनिंग की, एक्सरसाइज की और एकदम से वातावरण चेंज हो गया, एटमोसफियर चेंज हो गया, बारिश गिरी ऐसा ही था, इसलिए मैं घर पे चलाया। फिर नमाज का टाइम हुआ था, नमाज पढ़ ली। और नमाज का टाइम गाइस ऐसा है ना कि ईसा की अजान पहले मगरिब की नमाज पढ़ लेनी चाहिए क्योंकि फिर कजा हो जाए। तो मैंने ऐसे ही फटाफट से फिर घर फ्रेश होके फिर नमाज पढ़ ली। फिर अभी मैं खाना खाया और जस्ट अभी मैं उठा हूँ, 9:15 हो रहा है, अभी अजान भी होगी ईसा की, तो नमाज पढ़ने जाऊंगा। सुबह से अपने व्लॉगिंग स्टार्ट करते और शाम हो जाती है, रात हो जाती है, ध्यान करते पता ही नहीं चलता। वैसे ही याद तो गाइस बहुत थकान लगने वाली है। सुबह को रनिंग की थी, इतने हार्ड एक्सरसाइज वर्कआउट वो सब किया था और शाम को इतना ही जैसा सुबह को किया था वैसे शाम को किया है, तो हालत अपनी अब पूरी खराब हो गई है। रेस्ट चाहिए अपने शरीर को, तो जल्दी से सो जाएगी आज। आई होप गाइस आज का ये वीडियो आपको पसंद आएगा। जो पसंद आया हो तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना और शेयर कर देना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं कल के नेक्स्ट इंटरेस्टिंग व्लॉग में। और हमारे गाइस चैनल में आपको इन्फॉर्मेटिव हर कोई हर चीज आपको जो दिखने मिलेगी जो मेरी लाइफ में होती है गाइस, तो लाइक कर देना फटाफट से। ठीक है, तो मिलते हैं कल के नेक्स्ट एकदम इंटरेस्टिंग व्लॉग में, और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दे फटाफट से। बाय।